हम इंडियंस को ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है, एक ऐसी वस्तु है जिसे आप परचेज करके इसलिए रखते हो कि आगे आने वाले समय में इसके दाम बढ़ेंगे। तो अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जहां पर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकें और आपको इसे होल्ड करके फिजिकली अपने घर में या लॉकर में रखने की जरूरत भी ना पड़े तो कैसा रहेगा? तो इंडिया में पहली बार सिल्वर ETF लॉन्च हुआ है जहां पर आप सिल्वर परचेज करके रख सकते हो पेपर फॉर्म में। तो इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर के बारे में बताऊंगा, ETF के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिल्वर ETF में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिल्वर एक कमोडिटी है, कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं? इन्फ्लेशन के हेज की तौर पे ये काम करता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह के रेट्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं उनके रेट्स ऊपर जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे स्टॉक्स खरीद के रखना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीद के रखना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन होता है आप अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं तो आपको ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हो। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू होते हैं जहां पर आप उस कमोडिटी को खरीद कर रखते हो, उसके मालिक बनकर रहते हो। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि जब कभी भी कोई कंपनी को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर किया जाता है तो ये कोई एजेंसीज करती हैं और ये उन एजेंसीज का व्यू होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट उसके पीछे पीछे रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जब आप कोई कमोडिटी को परचेज करते हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कमोडिटी किसी के परसेप्शन में नहीं चलती कि ये अच्छी कंपनी है, इन्हें अच्छा ऑर्डर मिलेगा, ये आगे जाके बड़ी हो जाएंगी। याद रखिए, सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसका कोई उपयोग है, सिल्वर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसका कोई उपयोग है। जब हम उसे यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप निकल कर आती है। सिल्वर कहाँ कहाँ यूज होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं ज्वेलरी की या मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो ये हम बहुत सालों से करते आए हैं, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का जमाना है। तो याद रखिए, इन सारी जगहों पर सिल्वर का उपयोग बहुत ज्यादा है। मैंने जैसा आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, आपके सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आपके 5G सर्विसेज में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, हर जगह आप देखेंगे इस सिल्वर का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। सिल्वर की प्राइस को ड्राइव कौन करता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके कारण सिल्वर की प्राइसेस बढ़ती हैं या घटती हैं? जब कभी भी अनसर्टेनिटी होगी, प्रेशियस मेटल बढ़ते हैं। प्रेशियस मेटल में गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है। तो जब इकोनॉमिक आउटलुक में कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो आप देखेंगे कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा होता है, क्योंकि याद रखिए सिल्वर एक अलग ही किस्म की कमोडिटी है, वो पार्ट इंडस्ट्रियल मेटल है और पार्ट प्रेशियस मेटल है। तो जब कभी भी इंडस्ट्रियल डिमांड में अपटिक आता है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना स्टार्ट करता है, तभी भी आप देखेंगे कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ती हैं। सप्लाई एंड डिमांड, अगर प्राइजेस किसी भी वस्तु की जो सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आते हैं तो उसके प्राइस अप डाउन करते हैं, सिल्वर भी इससे अलग नहीं है। इन्फ्लेशन, जैसा मैंने आपको पहले कहा, जब कभी भी इन्फ्लेशन आएगा, अगर आपके पास में रियल एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता भी है तो इन समयों पर आप देखेंगे कि रियल एसेट्स की प्राइसेस बढ़ती है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट साथ साथ में जाता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा,
इन्फ्लेशन की सिचुएशन चेंज होगी, सिल्वर की डिमांड में भी इंपैक्ट आता है, कम भी होती हैं और वो ज्यादा भी होती हैं। तो देखिए आपके सामने में एक डेटा है, ये डेटा आपको ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड किस तरीके से है। तो ये जो डेटा है ये हमारा डेटा नहीं है, ये डेटा हमने ICICI ETF से लिया है और उन्होंने ये दूसरे सोर्सेस से लिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट दो सालों में, एक है पैंडमिक का साल और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ी है 2021 में। अगर आप मार्केट सेगमेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, सोलर पैनल्स में, ऑटोमोटिव में, सेमीकंडक्टर में, ऑल इलेक्ट्रिकल प्लेसेस में, ज्वेलरी में, इन्वेस्टमेंट्स में। आज देखिए ऑल इलेक्ट्रिकल में जो डिमांड है वो ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है, ये कितने लोगों को पता है। तो देखिए बात आज की नहीं हो रही है, बात आगे की हो रही है। तो जैसे जैसे ये चीजें नॉर्म बनेंगी आप देखेंगे सिल्वर की सेगमेंट वाइज इस इंडस्ट्री से ह्यूज डिमांड आई। ब्लू लाइन इन्फ्लेशन की लाइन है, रेड लाइन सिल्वर की लाइन है। आप खुद देख सकते हो कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन मूव करता है सिल्वर की प्राइसेस मूव करती हैं। जब बात करते हैं सिल्वर की प्राइस परफॉर्मेंस की तो देखिए क्या होता है, ये जो डेटाज होते हैं इनके साथ कोई भी खेल सकता है, मैं भी खेल सकता हूँ, कोई और भी खेल सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट 10 साल में सिल्वर का रिटर्न मात्र 2% है तो शायद आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। आप ये कहेंगे जिस प्रोडक्ट में 2% का रिटर्न है उस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूं। बट क्या आपको ये पता है कि लास्ट 2 सालों में ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है? जो चीज 50% इंक्रीज कर सकती है हर साल, यानी कि आपका पैसा 2 साल में डबल हो रहा है। तो 35,000 का सिल्वर आज की डेट में 70,000 में ट्रेड करता है, तो आपके पैसे 2 साल में डबल हुए हैं। तो क्या ये कम रिटर्न है? लेकिन आपको यहां पर एक चीज को समझना पड़ेगा, ये कमोडिटी है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है जहां पे आपका एक स्टॉक जो 20 रुपए का होता है वो 2,000 का भी हो जाता है। यहाँ पे वो ये एक रेंज में चलती हैं, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है समय पे एंट्री करने की और समय पे एग्जिट करने की। सिल्वर को तो हमने समझ लिया कि भाई सिल्वर क्या है, सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, वो है ETF। ETF होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो एक इंडेक्स फंड की तरह होता है, वो पैसिव फंड्स होते हैं और उनका काम इतना ही होता है कि जब जब आप उस फंड को देखिए ETF, इसको मैं 3 हिस्से में बांटता हूं फंड। अगर ये फंड है तो कोई ना कोई AMC इसे रन कर रही है। यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ICICI प्रोडेंशियल, तो ICICI प्रोडेंशियल को आप पैसे दे रहे हो और वो आपके अगेंस्ट में सिल्वर परचेज करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह हुआ जहां पर आपने डायरेक्टली नहीं खरीदा, फंड के रास्ते खरीदा, बट एक्सचेंज ट्रेडेड है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप एंट्री करते हो तो आपको दिन की 1 NAV मिलती है, जब आप एग्जिट करते हो तो दिन की 1 NAV मिलती है। लेकिन क्योंकि ये ETF है, एक्सचेंज में ट्रेडेड होगा, तो ये फंड एक ऐसा फंड है जो स्टॉक की तरह आप बाय और सेल कर सकते हो, दिन में अलग अलग रेट पे बाय कर सकते हो और अलग अलग रेट में सेल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, लेकिन इसे एक हाइब्रिड तरीके के फंड को हम म्यूचुअल फंड्स नहीं कहते, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वर ETF की। तो जब हमने बात किया ETF का तो हमने एक चीज समझी, मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं फंड के रास्ते इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब कभी भी मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूं, खासकर जब मैं बात कर रहा हूं सिल्वर ETF की, तो मेरे साथ होगा क्या, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या हुआ? देखिए अगर आप ये समझते हैं पोर्टफोलियो का मतलब स्टॉक्स होता है
और आप पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 सालों में मार्केट ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। बट ऐसा भी समय गया है जब 2-2 या 3-3 साल स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या सीधा स्टॉक से वापस एफडी में चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक वैसे ही आप सिल्वर खरीद के अपने पोर्टफोलियो को एक रियल डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज कॉस्ट की। तो इस कॉस्ट की बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्यों होती है, इस चीज को समझिएगा। अगर आपने 50 लाख रुपए, या मैं एक एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूं, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गोल्ड में, आपको कितने वजन का, कितने वेट का गोल्ड मिलेगा? मात्र 1 kg, 1 किलो सोना आपको मिलेगा। स्टोरेज कॉस्ट, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो सिल्वर को परचेस करने का सोचता है। देखिए, आपने मन तो बना लिया कि सिल्वर बहुत बढ़िया है, मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करूंगा, बट उसको तो बाय भी करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाते हो और 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको उसके अगेंस्ट में गोल्ड मिलता है, तो कितना होगा? 10 ग्राम 12 ग्राम 13 ग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 60,000 या 70,000 रुपए दिया सेम ज्वेलरी शॉप में, तो आपको 1 kg 1 किलो सिल्वर स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट लाखों में है तो आप खुद सोचिए आपको कितना सिल्वर होल्ड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कह सकते हो मैं किसी लॉकर में रख दूंगा या किसी वेयर हाउस में रख दूंगा, उसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पर डे कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो ETF के माध्यम से, तो आपको स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम लगती है, न के बराबर लगती है। तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, आपके लिए जो AMC है वो सिल्वर होल्ड करके रख रही है, वॉल्ट्स में होल्ड है। तो इस चीज को बिल्कुल भी ना घबराए कि मैंने पेपर सिल्वर खरीदा है, क्या कोई एक्चुअल सिल्वर है कि नहीं है। जितना सिल्वर आप बाय करोगे उतना ही सिल्वर आपके लिए वोल्ट में पड़ा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट रेट्स की। अभी ट्रांसपेरेंट रेट्स क्या हुए, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में अगर आप जाएंगे तो आपको एक खरीदने का रेट मिलता है और एक आपको बेचने का रेट मिलता है। खरीदने के रेट और बेचने के रेट को हम कहते हैं बिड आस्क। बिड आस्क में बहुत गैप होता है, बाइंग का रेट ज्यादा होता है और जब आप सेल करने जाते हैं तो आपको कम रेट मिलता है। लेकिन जब सेम चीज सिल्वर ETF के माध्यम से एक्सचेंज में ट्रेड करेगा तो आपको ट्रांसपेरेंट रेट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि क्या रेट्स चल रहे हैं। तो याद रखिए, ट्रांसपेरेंट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्यों आपको सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ठीक है, हमने सब समझ लिया, अब इस सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कैसे करें, तो आज से पहले आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी इंडिया में। तो अब ICICI Prudential का सिल्वर ETF लॉन्च हो चुका है। इसके पीछे पीछे निपॉन, मिरई एसेट, बिरला म्यूचुअल फंड्स, ये सारे एक एक करके या तो अपने ETF लाएंगे या फंड ऑफ फंड्स लेकर आएंगे। तो अब आप NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब ये एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज और सेल कर सकते हैं। आपके पास में एक डीमैट की जरूरत होती है। यूनिट्स जो होंगी जब आप परचेज करेंगे सेकेंडरी मार्केट में, वो 1 ग्राम की होगी। तो जब आप 1 ग्राम की बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं आज की रेट में 60,000 का रेट है, वो 1,000 ग्राम का रेट है, तो 1 ग्राम का रेट आएगा 60 रुपए 70 रुपए। तो जब आप देखेंगे कि इतने कम डिनोमिनेशन में आप एक प्रेशियस मेटल को परचेज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो,
तो ये एक बहुत ही फायदा का सौदा आपके लिए हो सकता है। नुकसान मैंने आपको बताया, अगर आप बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हो तो सिल्वर ने पिछले 10 साल में आपको न के बराबर रिटर्न भी दिया है, लेकिन अगर आप एक थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो लेकिन एक्टिव इन्वेस्टर हो तो आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जब आपको सिल्वर सस्ते दाम पे मिलेगा। अगर आपने वहां पर इन्वेस्ट किया है कुछ ही समय में, कुछ 6 महीने या 1 साल में या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता हूं।